Hey, welcome back to my channel. So आज हम करेंगे soft and easy eye makeup tutorial and affordable as well. So मैंने moisturizer के लिया है वादी herbals का moisturizer. ये मैंने 60 रुपीज का offer price में लिया था purple.com से. oil control moisturizer है. मैंने जो primer के लिए use करी orange gel. मालियों में ले सकते हैं जो 150 के अंदर आ जाता है. So इसको अच्छे से apply कर लेंगे और massage. अभी हम जो है डार्लिंग इज़ाबेला का जो कंसीलर है वो अप्लाई करेंगे. मैं फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ. आप चाहेंगे तो स्पंज या ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं. एज ए मेरे पास एकदम अफोर्डेबल में कलर करेक्टर नहीं था, इस वजह से मैंने डार्लिंग इज़ाबेला का जो है यूज़ किया है. आता है NYBA में डार्लिंग इज़ाबेला में नहीं, लेकिन वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था. देन मैंने एलोवेरा का फाउंडेशन फिंगर की हेल्प से अप्लाई किया है और उसको भी ब्लेंड कर लूँगी. मैंने स्प्रे किया है सेटिंग स्प्रे मेरे ब्रश पे ताकि अच्छा फ्लॉलेस फिनिश लगे एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहे मेरा बेस. और जो भी हेयरलाइन है उसमें भी हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि पूरा फेस नेक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि कलर अलग ना लगे. मैंने ऐसे फायर का ये न्यूड्स पैलेट लिया है 100 रुपीज़ का. मैंने लोकल मार्केट से लिया था ये लोकल मार्केट से या तो इंस्टा स्टोर से लिया था. ये इसी से मैं जो है आईब्रो फिल कर रही हूँ. ये दो शेड मिक्स करके आईब्रो फिल कर लूँगी. जो भी गैप्स है उसको फिल कर लूँगी और स्कूली हेयर से सेट कर लूँगी क्योंकि लिए मेरा ज़्यादा आईब्रोज छोटे नहीं है, बुशी है तो मुझे इतना इशू नहीं है. इसके बाद जो है हम कंसीलर अप्लाई करेंगे मी नाउ का MN का. ये कप्स एंड लैशेज से मैंने दिया था. इसका शेड जितने भी प्रोडक्ट्स है शेड वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लिंक मिला तो डाल दूँगी बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. जो फ्लैट शेड ब्रश है उससे भी मैं अच्छे से पूरा जो है मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है और मेरे ब्रो को शेप दे दिया है. फिर मैंने जो है पर्पल का 149 रुपीज़ में कॉम्पैक्ट लिया था, उससे मैंने अपना आई सेट किया है. फिर सेम पैलेट लेके ये दो जो है शेड्स लेके मैं कॉन्टोर करूँगी अपने फेस को अच्छे से. आपको ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है और अच्छे से ब्लेंड करना है तो आपके जो फेस में स्कल्पचर आएगा और आपका फेस जो है थोड़ा पतला लगेगा, शेडो क्रिएट होगा. फिर मैं नोज कॉन्टोर करूँगी. मैंने टूथब्रश वाला जैसे मेकअप ब्रश आता है वैसे यूज़ किया है और नोज़ को मैंने अच्छे से कॉन्टोर किया है. और फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं. फिर मैंने ये SFR का जो है ये वाला फ्लश पैलेट लिया है. ये मैंने लोकल मार्केट से बांद्रा से एक्सेस पे लिया था 40 या 60 रुपीज़ का. एक्सेस प्रोडक्ट आता है बैक ऑफ द हैंड में आप अप्लाई करके फिर आप धीरे धीरे करके ब्रश अप्लाई कीजिए तो उससे अच्छा आपका ब्लश पे कंट्रोल रहेगा. फिर इसके बाद जो है मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ. मैं सेम पैलेट यूज कर रही हूँ आई मेकअप के लिए. मैंने ये वाला शेड लिया है, फ्लफी एंगल ब्रश लिया है और अपने जो है क्रीज पे मैं ये शेड अप्लाई कर लूँगी. आप वाइपिंग मोशन में या तो सर्कुलर मोशन में ये शेड अप्लाई कर सकते हैं. ये शेड ऑलमोस्ट मेरी जो स्किन टोन है उससे मैचिंग है. मैंने ये शेड एज अ क्रीज पे मैंने अप्लाई किया. फिर मैंने ये ऑरेंज शेड लिया है, ब्राउनिश ऑरेंज सेम ब्रश को. फिर मैंने इसको आउटर वी पे एंड क्रीज पे बर्फ किया है. सेम आपको लाइट हैंडेडली बर्फ करना है और ब्लेंड करना है और जब तक मुझे डिजायर पिगमेंटेशन नहीं मिलता मैं उसको जो है बिल्डअप करते रहूँगी अच्छे से. वाइपिंग मोशन में या सर्कुलर मोशन में आप कर सकते हैं. मैंने वी पे भी अप्लाई किया है, आउटर वी पे एंड पूरे जो है ट्रांजिशन पे भी अप्लाई किया. मैंने दोनों इस पर अप्लाई कर लिया है. अब इसके बाद जो है मैं फिंगर की हेल्प से ये गोल्ड कलर है इन साइड में अप्लाई करूँगी. इनर कॉर्नर के साइड में पूरा आईबॉल तक मैं अप्लाई करूँगी. फिंगर की हेल्प से अप्लाई करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है, आपको पिगमेंटेशन अच्छा मिलता है रेदर देन ब्रश. अभी मैं ये फ्लफी ब्रश लूँगी सेम ऑरेंज कलर लेके, दोनों गोल्डन है और शेड को मैं जो है ब्लेंड कर लूँगी ताकि हार्श लाइन ना लगे. ये स्टेप बहुत ज़रूरी है नहीं तो फिर आपका जो आई शेड है वो ब्लेंडेड नहीं लगेगा. सेम कलर लेके मैं जो है लोअर लैश लाइन को अप्लाई करूँगी सेम ब्रश से. और फिर मैंने जो है न्यूड काजल है वेट एंड वाइल्ड का 110 रुपीज़ का लिया था. ये मैंने अप्लाई किया है अपने आईज़ में. फिर मैंने ये शिमर पॉट लिया है, ये मैंने जो लिया था लोकल मार्केट से 50 या 30 रुपीज़ का गोल्डन शेड में है. इसी को मैं जो है सेम आई शेडो के ऊपर लगाऊंगी पिगल की हेल्प से. आप चाहिए तो ये अवॉइड कर सकते हैं, ये मुझे पर्सनली प्रेफरेंस लगा इसलिए मैं लगाया था. सेम मैं इनर कॉर्नर पर भी लगा लूँगी. फिर मैंने जो है आई लाइनर अप्लाई किया है और जो आई लाइनर मैंने यूज़ किया है वो है NYBA का. ये भी अफोर्डेबल है, इसका वॉन्ड भी अच्छा है. आप सिंपल ब्लैक जो है लाइनर लगा सकते हैं या तो आप कलरफुल लाइनर भी लगा सकते हैं. मुझे ब्लैक ज़्यादा सही लगा इसके साथ इसलिए मैंने ब्लैक लगाया. इसको अच्छे से आप विंग लाइनर लगा सकते हैं. फिर उसके बाद जो है हम लगाएंगे मस्कारा.
मैंने ब्लू हेवन का 50 रुपीज़ का मस्कारा लगाया था। फिर हम जो है इनर कॉर्नर को सेम जो है शेड से हाईलाइट करेंगे और आईब्रो बोन को भी हाईलाइट करेंगे। फिर शिमर पॉट से हम जो है एज अ हाईलाइटर इस्तेमाल करेंगे। ये जो ब्लिक बिग फैन ब्रश है, इससे मैं जो है ये शिमर लगा रही हूँ, जो ढक्कन में था मैं वो ही लगा रही हूँ, बिकॉज तो ज़्यादा हो जाता हो। सो इसका आप ग्लो देख सकते हैं, बहुत अच्छा ग्लो है। जो यूजुअल प्लेस से भी ब्रिज ऑफ द नोज, टिप्स टिप ऑफ द नोज, कीप इट्स बो चिन, हाईएस्ट पॉइंट जो भी है फॉरहेड, सब जगह आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है मैंने ये जो 30 रुपीज़ का लिपस्टिक लोकल मार्केट से लिया था, ये मैंने अप्लाई किया है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए मैं इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। आप चाहे तो लूज पाउडर या बेबी पाउडर भी लगा सकते हैं। सो इसके बाद जो है मेरा लुक रेडी है, मैंने जो है हेयर स्टाइल कर ली है। और आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में। सो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे वॉइस ओवर लेना पड़ा। ये मेरा इजी पीजी जो है ये मेकअप लुक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके अलावा भी मेरे मेकअप लुक मेरे चैनल पे क्या आप वो भी देख सकते हैं। वो मैंने रोज रोज इन द एयर वेटर वेयर का आई शेडो यूज़ करके किया है 350 के अंडर। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। वो बाय बाय बाय।